नंद के घर जन्मे कन्हैया गोकुल में बजत है बधाई। कस्बे में धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार की रात्रि 12 बजते ही मंदिरों और घरों में शंख झालर गूंजने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ कस्बे में श्री बजरंग मंदिर थाने का राधा कृष्ण मंदिर मुरली मनोहर मंदिर मोती सागर मंदिर खेरापति मंदिर बालाजी देवी जी मंदिरों व घरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने दिन भर उपवास रखकर मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ रात्रि में पूजा अर्चना की। देर शाम घरों में भी लोगों ने पूजन किया जिससे पूरे कस्बे में शंख झालर बजने की आवाजें आने लगी। भगवान के चित्र को बुंदेलखंड में पाना कहा जाता है। श्रद्धालुओं ने घरों की दीवारों पर सजाया और घर के लड्डू गोपाल को पंचामृत से नहलाकर तिलक पूजन कर पाठ की राखी चढ़ाई, जिसके बाद खीरा काट कर भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। कस्बे के थाने के राधा कृष्ण मंदिर को विशेष रूप से विद्युत रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था व थाने परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जो रात्रि 12 बजे तक चला, जिसमें कस्बे के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर भजनों का लुत्फ उठाया। त्यौहार को देखते हुए थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौबे के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही। बानपुर से मनोज नामदेव की रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18।